हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर्स। इस वीडियो में हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते वक्त कोई गलती कर देते हैं तो उसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि उस गलती की वजह से हमारे पास इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, तो उसको करेक्ट कैसे किया जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसे। इकोनॉमिक्स अकाउंट्स और बीएससी रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट कर दीजिए, जिससे आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहां पर मैं जो है वो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो है वो समझाता हूं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं अपनी बुक में से एक क्वेश्चन ले लेता हूं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो मीन एंड वेरिएंस दे रखा है 100 आइटम्स का, ठीक है। तो मीन हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास जो है वो 100 आइटम्स हो गए, 100 टर्म्स, और मीन जो है वो हमारे पास 40 दे रखा है, एक्स बार 40 है, और हमारे पास वेरिएंस दे रखा है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता है वेरिएंस, जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसका स्क्वायर होता है। तो हमारे पास स्क्वायर में पहले से ही दे रखा है, या मैं कह दूं कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 5 दे रखा है, तो वेरिएंस का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो है वो ये हो जाता है। इसके बाद उसने बोला हुआ है बाय मिस्टेक एन आइटम 50 रॉन्गली टेकन 5। तो मतलब हमारे पास जो है वो रॉन्ग वैल्यू दे रखी है, रॉन्ग वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 और राइट वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 50, ठीक है। हमारे पास राइट वैल्यू कितनी है, 50। क्लियर फ्रेंड्स। तो अब वो बोलता है कि फाइंड आउट द करेक्ट मीन फाइंड किए सबसे पहले, फिर करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर हमको बताइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एक्स, ठीक है। तो सिग्मा एक्स का हमारे पास जो है वो फॉर्मूला होता है एक्स बार इंटू एम, मतलब की मीन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास मीन 40 है और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास जो है वो 100 है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 4000। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया होगा हमको। अब हमको जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते समय हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत होती है, तो इसलिए मैं इसको जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूं। अभी मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा। तो यहां पर हमारे लिए इसके फर्स्ट फॉर्मूला होगा एन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास एन नंबर फ्रॉम 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हमारे पास 25 है, प्लस एक्स बार मतलब कि हमारे पास मीन का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर करना है हमको, तो आ जाएगा 100, 25 प्लस 40 का स्क्वायर हमारे पास 1600 होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इनटू में 625, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,62,500, ठीक है, 1,62,500। ये हमारे पास आ गई है सारी की सारी वैल्यू, जो कि सारी की सारी इनकरेक्ट है। क्लियर, क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पर ये जितनी वैल्यू दे रखी है वो इनकरेक्ट वैल्यू है। अब हमको जो है वो करेक्ट वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा, तो करेक्ट वैल्यू को मैं यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं। तो करेक्ट सिग्मा एक्स, सबसे पहले करेक्ट सिग्मा एक्स को कैलकुलेट करेंगे हम। तो करेक्ट सिग्मा एक्स में हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको नीचे ही कैलकुलेट करके दिखाता हूं ताकि ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट सिग्मा एक्स का फॉर्मूला होगा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस राइट वैल्यू। सिंपल है फ्रेंड्स, समझ में आया यहां तक, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स हमने कैलकुलेट करा 4000, माइनस कर देते हैं रॉन्ग वैल्यू है हमारे पास 5, और प्लस कर देते हैं राइट वैल्यू जो कि है हमारे पास 50, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इसमें से माइनस होगा और 50 जो है वो प्लस हो जाएगा, तो लगभग हमारे पास जो है वो ये 445 आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया हमने इसे। तो अब ऐसे ही हम करेक्ट सिग्मा एक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट है तो यहां पर भी फॉर्मूला होगा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस रॉन्ग वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन किस पे चलता है, रूट पे चलता है, इसलिए स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस राइट वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स।
देख लेते हैं इनकरेक्ट सिग्मा एक्स हमारे पास स्क्वायर दे रखा है 162,500, माइनस कर देते हैं रॉन्ग वैल्यू, रॉन्ग वैल्यू थी 5 का स्क्वायर, प्लस कर देते हैं 50 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 625,000, माइनस में 25 और प्लस में 2500। तो कैलकुलेटर की हेल्प से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -25 प्लस 2500, तो ये आ गया हमारे पास 164,975। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा किस टाइप से इसे कैलकुलेट करना था हमें। तो अब हम जो है वो करेक्ट मीन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करेक्ट मीन का हमारे पास फॉर्मूला होगा करेक्ट मीन या करेक्ट एक्स बार इक्वल टू करेक्ट एक्स बार या सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो करेक्ट सिग्मा एक्स हमारे पास कितना आया था 4, 40, 45 और नंबर ऑफ टर्न्स 100 दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 40.45। तो करेक्ट मीन तो हमारे पास आ चुका है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा करेक्ट एस डी इज इक्वल टू, या फिर फ्रेंड्स मैं इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में यहां पर करूंगा। ठीक है, तो मैं यहां ऊपर से क्वेश्चंस को जो है वो मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, तो यहां पर मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं और इसे यहां से करना स्टार्ट करूंगा। आपने इसे नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो करेक्ट हमें एस डी निकालना है, तो करेक्ट एस डी का हमारे पास फॉर्मूला होगा रूट के अंदर करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस, ठीक है, करेक्ट मीन एक्स बार, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट एक्स बार की वैल्यू दे रखी है 64,975, तो 164,975, नंबर रेफरेंस कितने हैं 100, माइनस करेक्ट मीन हमारे पास दे रखा है उसका स्क्वायर करना है 40.45 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास बनके तैयार होगी 1649.75, माइनस इसका स्क्वायर कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, तो 40.45 का स्क्वायर, तो 163.2025। ठीक है, तो अब इसको माइनस करके यहां पर देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, 20-1649.75, तो ये आ जाएगा 13.55। इसको अब इसका रूट निकाल देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3.68। ये हमारे पास क्या आ चुका है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होकर आ चुका है। इस टाइप से हम जो है वो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं किसी भी इनकरेक्ट वैल्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने भी कैलकुलेटर रख दिया अपना, तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से कैलकुलेशन जो है वो होती है। होप करता हूँ आपको जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा और मेरी मेहनत को आप जो है वो बेकार नहीं जाने देंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो जरूर से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियोस की सीरीज अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए। और अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो कृपया मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की वीडियोस मैं स्टैटिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवाद।